देखिए, ये रोशन जी का जो विनिंग अमाउंट था ऑडी प्लस फुल 20 लाख अमाउंट भी आ गया रुपीस है, और बाकी जो अमाउंट है 20 लाख का। 1,000 बीस मैंने विद्रॉ करके देखा था कि हो रहा है या नहीं हो अच्छा रहा। 20 लाख का विड्रॉल किया था 1,000 रुपये। 1,000 में तो आपको 700 रुपये आए हाँ, होंगे। 700 रुपये आया था। अच्छा, और बाकी ये वाला था ना आपका, एक बार 881 पॉइंट आया था आपका टोटल का। इतने बड़े बिजनेसमैन अंबानी है तो 10 काम करते हैं, हम लोग तो छोटे हैं, दो तीन काम नहीं करेंगे। वो बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, उनको विश्वास नहीं हुआ। बिलीव नहीं हो रहा था। हाँ, बिलीव नहीं हो रहा था। उनको अच्छा, दिखाया भी तो बोले कि नहीं, कैसे विश्वास कर ले जब तक पैसा नहीं आएगा। जब अकाउंट में पैसा आ गया, क्योंकि पिछले महीने ही 11 तारीख को मैं गया था नीम करौली बाबा नीम करोली आश्रम। बाबा। मैं तो पिछले महीने, मैं भी 8 तारीख को उधर ही था, हाँ, तो वहाँ पे गया और था। आप हाजीपुर से 8-10 लोग मिले भी थे हमें वहाँ पे नैनीताल में। हाँ, तो हाजीपुर से भी शादी वगैरह कोई करने गया था, तो उनका मतलब फुल एक बोगी ही बुक था, मेरे ही बोगी में। तो वहीं जाके आए हैं, 1 महीना के अंदर में कुछ बढ़िया रिजल्ट मिला है, इसलिए सबको बोले हैं कि जाइए भाई। पिछले 2-4 दिन पहले ही अपनी टीम लगाई थी माई सर्किल 11 पे, और टीम लगा करके उन्होंने अच्छा खासा रकम जीता है। तो इनसे ही जानते हैं कि आखिर वो कितना रकम जीते हैं, और रकम के साथ साथ क्या कुछ और भी जीते, या फिर सिर्फ रकम जीत करके पैसे जीत करके रह गए। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं रोशन कुमार रसूलपुर का निवासी हूँ, जो सदुल्लापुर पंचायत में पड़ता है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। और मैं फाइनेंस सेक्टर में वर्क करता हूँ एज ए बिजनेस लोन, और प्रेजेंट ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ फाइनल ईयर। कुछ टाइम पहले से, 2-4 दिन पहले से ये वायरल चल रहा है कि जो रसूलपुर के रोशन कुमार है, उन्होंने माइसर क्लेमेंट पर टीम लगाई थी और अच्छा खासा प्राइज विन किया है। तो क्या कितनी सच्चाई है इस बात में कि वास्तव में आपने विन की है, या फिर ये जो चल रही है कोई फेक न्यूज़ तो नहीं चल रही है? नहीं, फेक न्यूज़ नहीं है, विनिंग किया हूँ। अमाउंट भी मेरा आ गया है, अच्छा और गाड़ी का भी अमाउंट 45 डेज़ के अंदर अंदर मुझे मिल जाएगी। अच्छा तो आपने कितना विनिंग किया है? 20 लाख प्लस ऑडी A4 कार। 20 लाख प्लस ऑडी कार। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कैश कम पड़ गया ऑडी के सामने। हाँ, अच्छा, ऑडी कितने की ऑडी आएगी आपकी? ऑडी ऑन रोड पड़े थे, 55 लाख के आसपास है ऑन रोड। अच्छा, बट उसमें क्या कि एक शोरूम प्राइस जो रहेगा वही मिलेगा, 43 या 44 लाख के आसपास है। 44 लाख के आसपास। तो क्या सोचा है आपने, ऑडी कार लेना है, या फिर ऑडी कार के बदले जो उसका कैश होता है वो नहीं लेना नहीं है? कंपनी को मैंने ऑलरेडी मेल कर दिया हूँ कैश के लिए। वहाँ ऑप्शन रहता है, या तो कार ले सकते हैं, नहीं तो कैश ले सकते हैं। तो कार लेता तो 90 to 120 डेज़ का उसमें पीरियड था, और कैश का 45 डेज़ का है। बिलो 45 डेज़ के अंदर मिल जाते हैं। 45 डे के अंदर जो पैसे आएंगे, जैसे एक शोरूम प्राइस आपने बताया कि 42 से 44 लाख के आसपास आ रही है, लेकिन जब आप पैसे के लिए विड्रॉल मारे तो क्या उसमें कोई कटौती की जा हाँ, रही है, या फिर 42 लाख के 42 लाख आपको दे दिए जाएंगे नहीं, डिडक्शन होगा 30% TDS। अगर कार लेते तो? अगर कार लेंगे तो एक्स्ट्रा में मुझे जो एक शोरूम प्राइस रहेगा उसके ऊपर RTO, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह मुझे अपने पॉकेट से देना है। 44 लाख के बाद इंक्लूडेड समथिंग 5-6 लाख रुपए आपको और देने पड़ते हैं, नहीं, ज़्यादा लग जाएगा, कम से कम 8 लाख के आसपास। 8 लाख के आसपास। अगर नहीं लेते हैं तो एक शोरूम का प्राइस का भी 30% काट लिया जाएगा, हाँ, ऐसा ट्वेंटी क्यों? डेज वो तो अब वो कंपनी का ही रूल है। वहाँ से मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे मेल किया था कि टोटल प्राइस इतना इतना है, इसमें TDS डिडक्शन होके इतना अमाउंट आपके अकाउंट में चला जाएगा। कब लगाया था आपने ये जो टीम लगाई थी? 3 मई को लगाया था, पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियन का मैच था। पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियन 3 मई का मैच था, शाम का मैच था। शाम का मैच था। अच्छा, क्या कैसे सोचा था आपने टीम के बारे में? लोग ड्रीम इलेवन पे ज़्यादातर टीम बनाते हैं, 2 करोड़ का मालिक बनना चाहते हैं। आजकल तो ड्रीम इलेवन पे पहला प्राइस 2 करोड़, दूसरा 1 करोड़, तीसरा 1 करोड़ दिया जा रहा है। फिर आप वहाँ ना लगा करके माई सर्किल इलेवन पे, जिसका लोयल प्राइस 20 लाख रुपये ओनली फोर था और साथ में गाड़ी था, ये आपके मन में क्यों नहीं आया कि मेरे को 2 करोड़ ही चाहिए? नहीं, देखिए, प्राइस तो उस दिन मैंने खुद नहीं देखा था कि क्या है क्या नहीं। माई इलेवन सर्किल तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक लड़का जीता था, उसको देखा था कि मैंने डाउनलोड कब लिया। फिर उस दिन मेरा एग्ज़ाम भी था MTS का, अच्छा, एग्ज़ाम दे के निकले शाम को, डिले थोड़ा मतलब देरी ही हो गया था, 7 बज गया था निकलते निकलते निकला। और मतलब प्राइस वगैरह कुछ नहीं देखा मैंने, क्या है क्या नहीं। फर्स्ट प्राइस सिर्फ टीम लगाया और उसमें सिलेक्शन कर दिया, एक ही टीम लगाया था उस दिन। और जब मामा के रूम पे गया, खाना वाना अपना नाश्ता किए, उसके बाद घूमे हुए पटना में, और जब शाम को वही 10:30 बजे के आसपास देखा तो मेरा टीम अच्छा, मतलब बढ़िया था, बिलो 50,000 के अंदर था। और जब मैंने 11 बज के 11:30 के आसपास देखा था, तो उस समय फर्स्ट प्राइज़ का विनिंग का मुझे
मतलब उसमें मैसेज आया हुआ मैसेज था, आया हुआ था। कंग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन 20 लैक्स एंड ऑडी हाँ कार। हाँ कैसा लगा था जब ऐसी मैसेज आपने देखी थी, तो आंखों को विश्वास हो पाया था कि मैंने वास्तव में जीत लिया, या फिर आपको मजाक लग रहा था ये? नहीं, विश्वास तो हुआ था, लेकिन यही है कि हाँ मैं जीत गया ये विश्वास ये नहीं विश्वास नहीं हो रहा था, हुआ। थोड़ा सा सस्पेंस में थे कि भाई व्हाट इज डूइंग विद अस, हाँ हमारे साथ क्या हो रहा है। हाँ हाँ, सही है। फिर कैसे आखिर नींद आ रही थी जब आपने 11 बजे के आसपास देखा तो? नहीं, वो रात अच्छा, तो मैंने सोया नहीं, तो लगभग 4 बजे के आसपास मैं सोया था। किसी को बताया या फिर चुपके से गौन रख लिया कि भाई मैंने प्राइज विन किया है? अरे नहीं, भैया इधर इधर से आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। बांध देते हैं। कोई नहीं, आपका घर है उसमें। कैसा लग रहा था ये तो जब उस दिन ना जब जीता तो मामा को बताया, अच्छा तो मामा देखे तो वो बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, उनको विश्वास नहीं हुआ। बिलीव नहीं हो रहा था? हाँ, बिलीव नहीं हो रहा था। अच्छा उनको दिखाया भी तो बोले कि नहीं, कैसे विश्वास कर ले जब तक पैसा नहीं आएगा। जब अकाउंट में पैसा आ गया तो विश्वास उनको हुआ। अब बिलीव हाँ हो गया। हाँ अच्छा, ये जो ऑनलाइन फैंटेसी है जिसपे लोग टीम लगा रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख जीत रहा है, लेकिन तब तक किसी को बिलीव नहीं हो रहा। टीम सभी लगाते हैं लेकिन बिलीव किसी को नहीं होता जब तक उस गांव में किसी को पैसा मिल ना जाए, फिर भी लोग टीम लगाते हैं। आखिर कैसे, जब तक हम लोगों को किसी चीज़ पे बिलीव नहीं होता उस चीज़ को करते नहीं है, लेकिन टीम लगाने के बाद ये 2 करोड़ सोच करके ही लोग टीम लगा देते हैं ना? देखिए, पैसा है ना बहुत मतलब गंदा चीज़ है, उसके पीछे सब पागल रहता है, भले जीते चाहे ना जीते, वो सीधी बिलीव सी हो बात है या कि ना हो। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज नीडेड टू एवरीथिंग। पैसा कुछ नहीं लेकिन जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा ही सब सब कुछ है, कुछ है, सही क्या बात। सही हाँ बोल रहे हैं ना? हाँ सही बोल रहे हैं। आप भी लगाते हैं? नहीं, हम नहीं क्या खेलते। नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। आपके गांव में 20 लाख रुपए प्लस ऑडी आ रहा है, इस खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल है हाँ पूरा। भंडारा वगैरह भी हुआ है या फिर अभी बचा हुआ है? नहीं, हुआ एक बार। एक बार हो गया भंडारा। हाँ, एक बार हो गया। कैसा और भंडारा था, मिठाई का भंडारा था या फिर प्रसाद नहीं वगैरह? नहीं मिठाई का भंडारा था खुशी का माहौल है। बहुत ज़्यादा। तो अभी तो जो युवा होंगे यहाँ के वो लोग भी अब टीम लगाना स्टार्ट कर दिए होंगे। हाँ हाँ, हाँ आप भी बहुत। लगाते हैं? नहीं, हम नहीं लगाते। आपको नहीं पता फैंटसी एप्लीकेशंस के बारे में? नहीं, पता है लेकिन नहीं लगाते हैं। हम लोग काम में, दूसरा काम में बिजी रहते हैं हम लोग, स्टैंड वगैरह ये सब में। जो ज़्यादा इंगेज नहीं है उन लोगों को हाँ ये राह रहती है कि भाई हम टीम लगा के करोड़पति बन जाए, हाँ लेकिन इसका लत भी लग जाता है। बहुत लत सारे लग लोग बीस जाता बीस पच्चीस पच्चीस टीम दो दो तीन तीन आईडी लगा के लगते है। हैं, नहीं तो उतना हम नहीं कैसे खेलना लगाते हैं। चाहिए? देखिए, लगाने के लिए तो 20-20 टीम तो हम भी देखे हैं कि बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन हम आज तक उतना टीम नहीं लगाए। मुश्किल से एक टीम या दो टीम, उससे अरे ज़्यादा नहीं आपका लक लगा। इसलिए था कि आपने अंदाजे में तीर चलाया, सोच के लगाने वालों नहीं को कुछ नहीं नहीं मिलता है। देखिए, लक इसलिए लग गया हाँ, क्योंकि पिछले महीने ही 11 तारीख को मैं गया था नीम करौली बाबा नीम करोली आश्रम। बाबा, मैं तो पिछले महीने, मैं भी 8 तारीख को उधर ही था, हाँ, तो वहाँ पे गया और था। आप हाजीपुर से 8 10 लोग मिले भी थे हमें वहाँ पे नैनीताल में। हाँ, तो हाजीपुर से भी शादी वगैरह कोई करने गया था, तो उनका मतलब फुल एक बोगी ही बुक था, मेरे ही बोगी में। तो वहीं जाके आए हैं, 1 महीना के अंदर में कुछ बढ़िया रिजल्ट मिला है, इसलिए सबको बोले हैं कि जाइए भाई वहाँ दर्शन करके आइए। आजकल नीम करौली बाबा बहुत फेमस हो गए जब से विराट कोहली गया वहाँ पे ना, हाँ नहीं देखिए, दिल से लोगों का मांगिएगा क्रेज हो तो कुछ ना गया। कुछ तो हाँ मिलेगा ही, वहाँ नहीं, जाइएगा सिद्धि तो। तो है वहाँ पे, ये बात तो मानने वाली बात है। जब से आप वहाँ से आए हैं कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, बेटर हो रहा है क्योंकि 3 मंथ से मतलब कुछ परेशानी था, लेकिन वहाँ से जाके आया हूँ, 1 महीना के अंदर में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। दोबारा जाने की सोच है? दोबारा मेरा टिकट है, अच्छा, मैं तो 13 तारीख को निकलने वाला था, बट सिस्टर का एग्ज़ाम आ गया है, तो काठगोदाम। एग्ज़ाम, हाँ काठगोदाम के लिए, तो अब 28 तारीख तक एग्ज़ाम है सिस्टर का, ख़त्म हो जाएगा तो 29 को मैं निकल जाऊँगा फिर। अच्छा, क्या करेंगे इतना सारा जो पैसा आपको आ रहा है? लगभग अगर देखा जाए तो 1 करोड़ की प्राइस आपकी हो ही गए, 30 40 लाख उधर से आ जाएंगे, 20 लाख रुपए उधर से आ जाएंगे। क्या करना है इन पैसों से, इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर MFI में ही काम करते रहेंगे? दोनों दोनों पे चलेगा। देखिए, चलेगा? ये अच्छा, उतने बड़े बिजनेसमैन अंबानी है तो 10 काम करते हैं, हम लोग तो छोटे हैं, दो तीन काम नहीं करेंगे तो फिर अर्निंग कैसे होगा। सही बात है। रिक्स लेकर गैन करना, हाँ रिक्स लेके गैन करना है, हाँ जीतना रिक्स है। लेके अर्निंग करना है। एक बार टीम दिखाइए आप अपना, कैसे जीता था, विनिंग वाला दिखाइए प्रूफ थोड़ा। देखिए, ये रोशन जी का जो विनिंग अमाउंट था ऑडी प्लस वो पर 20 लाख्स अमाउंट भी आ गया रुपीज़ है, और बाकी जो अमाउंट है 20 लाख का, 1,000 मैंने विदड्रॉ बीस करके देखा था कि हो रहा है या नहीं हो अच्छा रहा। 20 लाख का विड्रॉल किया था 1,000 रुपये। 1,000 में तो आपको 700 रुपये आए हाँ, होंगे। 700 रुपया था। अच्छा, और बाकी ये वाला था ना आपका, एक बार 881 पॉइंट आया था आपका टोटल का टोटल। एक बार टीम दिखाइए आप अपना, टीम का उसमें स्क्रीनशॉट किशन नहीं किया था आपने? नहीं, उसमें मेरा कैप्टन था ईशान किशन और वाइस कैप्टन था पी चावला। लिविंगस्टन का भी उस दिन बढ़िया था, 117 पॉइंट दिया था, बट अच्छा उसको अच्छा वाइस कैप्टन नहीं लिए थे, फिर भी फिर भी मतलब। आप अच्छे रैंक से हाँ, हैं, फिर आगे भी। बढ़ गए। हाँ,
काफी अच्छा रहा। उस दिन ड्रीम इलेवन पे रैंकिंग था 905। उस दिन मैंने ड्रीम इलेवन पे भी लगाया था, बट दिक्कत क्या हो गया ना, उस दिन मैंने उस पर पी चावला को नहीं लिया था।